मिठाई है ये सिर्फ 3 चीजों से बनती है और एकदम इजी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कस्टर्ड बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल कस्टर्ड पाउडर लिया है, आधा बॉल फ्रेश क्रीम और एक बॉल चीनी ले लिया है। यहाँ पर मैंने 750 ml दूध ले लिया है जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके ठंडा कर लिया था। अब इसमें एक बॉल कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और एक बॉल चीनी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही गैस चालू करेंगे, पहले नहीं करेंगे गैस चालू। ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही बनाएंगे और थिक होने तक इसे हिलाते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं बीच में। ये देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें फ्रेश क्रीम डाल के इसे मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम डाला है, आप चाहे तो घर का मलाई भी यूज कर सकते हैं। और इसे गाढ़ा होने तक लगातार हिलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं बीच में। अब ये देखिए गाढ़ा हो गया है, बॉयल भी अच्छे से आ गया है। अब गैस को बंद कर लेंगे और इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह का थाली ले लिया है, साइड में ऊंचा वाला कोई भी प्लेट या थाली आप ले सकते हैं। अब इसका ऑयलिंग कर लेते हैं। प्लेट में ऑयलिंग हो गया है, अब बर्फी के बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे इस तरह से हिला लेंगे, इसे सेट कर लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम यूज़ किया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए इसे रख देंगे सेट होने के लिए। ये बर्फी ठंडा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चार घंटे बाद देखिए ये कितना अच्छे से सेट हो गया, एकदम बाउंसी हो गया है। चार घंटे बाद ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए इसे ऐसे लंबा लंबा कट करके और इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। मैंने थोड़ा बड़ा पीस ही रखा है क्योंकि ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट है तो निकलने में आसानी से निकलेगा। ये देखिए आप इसे पालता या छोलनी से निकाले तो ये आसानी से निकलेगा। ये देखिए मैंने इसे हाथ में लिया है, ये एकदम सॉफ्ट है और क्रीमी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारा कस्टर्ड बर्फी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।